सत्यानाश व्लॉग सत्यानाश किसी को पी के खत्म कर तू तो कितना सारा भर लेगी सब भरेगी आ जा भाई नीचे बैठ चल जा नीचे बैठ के खा जा आज है नवरात्रि का डे वन और अरुण अभी तक सो रहे हैं बाहर हो रहा है पूजा तो चलिए मैं आपको पूजा दिखाती हूँ भाई आज का तो भाई जो धूप है ना बहुत ज्यादा ही कड़ा है मतलब हद ज्यादा कड़ा है और अच्छा संडे की घर पे रेस्ट है तो भाई स्वागत है आज का डे 33 हमारा 75 आवर चैलेंज का और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये लड़की ने ब्लॉग चालू किया था ये लड़की ने हम जो स्टार्टिंग का वो 6-9 सेकंड का देखे ना ऐसे बोलते हुए सत्यानाश व्लॉग सत्यानाश भाई करते हैं हमारा पहला मील जो है देसी प्रोटीन सत्तू इसको पी के खत्म कर तू देखो भाई सत्तू से पेट भरेगा नहीं क्योंकि आज है संडे और आज कुछ एक्स्ट्रा तो खाना होगा ना पहले हम लोग खाएंगे कहाँ है ये आलू का भिंडी ये नहीं अरे मेरा चना कहाँ है ये रहा छोला ही भावे तो बर्फ बन गया पूरा तो गर्म करो यार हमारा चना रेडी तो भाई ना ये ब्रेकफास्ट है ना ये लंच है ये है ब्रंच और इसके साथ रोटी क्या भाई दो ही रोटी है नहीं हम दो ही खाते हैं इसीलिए बोल रहा मेरे लिए एकदम एग्जैक्टली दो ही रोटी अपना खाना इज रेडी और से ब्रंच का भिंडी निकाल दिए चलो खाते हैं तुम्हारा खाना एक पूरा खाए है कंप्लीट हमारा बनाना शॉर्ट्स और देखो ये है हमारा स्नैक्स मखाना ये और पता है इसको सबसे ज्यादा कौन खाता है देखो ले कितना सारा भर लेगी सब भरेगी सब लेके जाने मांग रही अच्छा ले ले अच्छा चल दे दे आ भैया दे दे चल दे दे भैया हटो भाई इसको मखाना दे दे यार आ जा भाई पोजीशन में जाओ अपना पोजीशन में जाओ आओ पोजीशन में ये रहो पोजीशन में लो लो अंगो तुमको तो मखाना पसंद है डाइट में रहती है तो मां द प्री वर्कआउट मील में हम लोग लेंगे एक केला और स्टार्ट करेंगे अब अपना वर्कआउट चलो I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want. भाई पोस्ट वर्कआउट मील में लेंगे हमारा प्रोटीन लेकिन पूरा नहीं लेंगे थोड़ा सा आधा स्कूप से ज्यादा लेंगे क्योंकि दूसरे टाइम के वर्कआउट मतलब दूसरा वर्कआउट के बाद भी तो खाना है तो इसलिए भाई मैनेज 1.5 स्कूप भाई देखो हो गया अभी शाम का 9 बज रहा है और अभी खाएंगे हम ये एप्पल और आज का है अपना आउटडोर का जो वर्कआउट है आज छत पे ना करेंगे वर्कआउट ना कुछ क्योंकि आज है दुर्गा पूजा का पहला दिन और कलकत्ता में दुर्गा पूजा कैसा होता है तो भाई पूरे इंडिया को पता है यहाँ कैसा होता है तो हम लोग चलेंगे पंडाल हॉपिंग मतलब देखो वॉकिंग करेंगे स्पीड में और मैक्सिमम जितना 2-3 किलोमीटर में एक तरफ का कवर कर पाएंगे 2-3 पंडाल कर लेंगे तो कर लेंगे वो सब दिखाएंगे और फिर घर आ जाएंगे चलो भाई पंडाल देखते हैं अब मज़ा आ रहा है भाई एक्साइटमेंट ये हम लोग कैलकटा वाला लोग जो रहता है वो समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा का एक्साइटमेंट क्या होता है इसको खाते हैं प्री वर्कआउट में और निकलते हैं चाबी ले लिया गया और अब निकले देखो भाई हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट करने तो भाई अंदर पंडाल वंडाल के हम लोग नहीं जाके दिखा सकते बाहर से दिखाएंगे और कब से हम लोग घूमने निकलेंगे 3rd या 4th डे से मतलब परसों या तरसों से निकलेंगे जब से घूमने तो भाई ऊपर अब सुनो जो भी बीड़ा बोल रहे वर्कआउट अपना वर्कआउट छत्ते ही करेंगे घूमने का अलग से वो रहेगा ब्लॉग वो टेंशन मत दो ही खाली मतलब वॉकिंग में ही आज थोड़ा है मूड की पहला दिन है तो हाँ इसीलिए संडे थोड़ा लाइट रखना इज गुड बस कर रहा वरना संडे तो हर जन का रेस्ट रहता हम लोग तो फिर भी कर रहे हैं वर्कआउट और देखो यहाँ का नज़ारा वहाँ एक तो इतना भीड़ इतना लाइट वाइट और यहाँ सन्नाटा यही है दुर्गा पूजा गली गली में सन्नाटा रहता है
कितना किलोमीटर हुआ भाई? अरे पावर ऑफ खेला खत्म। छोड़ो मेरा अंदाज जहाँ तक रहेगा 2.5 से 2.7 मैक्स, ये क्योंकि पंडाल भी घूम रहे थे उसका तो थोड़ी दो तो पंडाल कवर कर लिए पहला दिन। ओके जाओ, बहुत खुश रहो भाई। रास्ते में हमारे साथ जो अभी सीन हुआ है ना, हमें मिले हमारे एक सब्सक्राइबर जो बहुत बड़े फैन थे हमारे, और वो उन्होंने अपने वाइफ को वीडियो कॉल किया, हम लोगों को दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और लिटरली भाई ये झूठ मूठ का हंस रही थी हम ऐसे ऐसे घर करके, मतलब इतना घर पे रह रहे कि वीडियोस बना बना कितना इंट्रोवर्ट टाइप हो गए ना, थक नहीं है इंट्रोवर्ट टाइप हो गए, तो मिलने में ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कभी कभी, अजीब सा वियर्ड निकल जाता है बिहेवियर। तो भाई अगर ऐसा आप लोग के साथ कभी हो जाए तो प्लीज सॉरी। भाई रात का बज रहा 11:30 और हमारा डिनर रेडी हो चुका है, और ये रहा हमारा डिनर, चावल चिकन। और मैंने वो वर्कआउट जो किया शाम का आउटडोर वाला, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लिया क्योंकि इतना चिकन था। तो भाई देखो पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन, फिर प्रोटीन तो भाई ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है, ज़्यादा प्रोटीन मतलब पेट खराब, लूज मोशन चालू। इधर नौकरानी जा रही है, उसको नौकरानी को इग्नोर करो, चलो हम लोग खाना खाते हैं। यम नौकरानी ने अच्छा खाना बनाया, लेकिन क्या बात है, तुम्हारा तरक्की हो रहा है वंशी का, नौकरानी अच्छा खाना बनाने लग गई है, आ गए सीख गए हो सब तुम, वेरी गुड। साथ में रहो इसी बात पे। अरे ऐसे लोगों से मैं जूता भी नहीं। अब पहली बात तो नौकरानी बिस्तर में बैठ के क्या, नीचे बैठो, चलो सर नीचे बैठो, नीचे जाओ, चुप चल नीचे बैठ, चल जा नीचे बैठ के खा जा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमारा खाना डन और पानी का टैंक भी कंप्लीट, देखो खाली हो गया अभी खत्म, और बढ़ेंगे अब 10 पेजेस का, ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चलो पढ़ते हैं। भाई खत्म हमारा 10 पेजेस पढ़ना, और आज के में हम लोगों ने मतलब हमने ये सीखा है कि If you can dream it, you can do it. मतलब अगर आप दिमाग से सोचोगे तो ही कर पाओगे कोई भी चीज़, कुछ भी रियलिटी करने के लिए पहले यहाँ पे पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें मैं शॉर्ट्स बनाते वक्त भी ये चीज़ बोलता था, याद है जब शॉर्ट्स बनाते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी इसी पाथ पे हूँ अभी, जो ये बता रहा है ना मैं भी सेम पाथ पे हूँ, इसको बता रहा। कोई भी ड्रीम देखने के लिए पहले गोल, मतलब कोई भी गोल देखने के लिए, मतलब गोल अचीव करने के लिए ड्रीम देखो, वो ड्रीम देखोगे तभी उसको अचीव करने का, मतलब वो दिमाग वर्क करेगा आपका अचीव करने पे। समझ में आया बड़ा? तो भाई वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबके साथ जरूर शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट मतलब कल, तब तक के लिए बाय बाय।